हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेके क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की टेक्स्ट बुक बिहाइव के चैप्टर नंबर 7 पैकिंग रिटन बाय जीरोम के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव। कहानी में कितने पात्र हैं, नेम देम, उनके नाम लिखिए। डोंट फॉरगेट द डॉग, और कुत्ते को मत भूलिए, यानी कि कुत्ते का नाम भी बताना है इसमें। तो आंसर है, देर आर फोर कैरेक्टर्स इन द नरेटिव। कहानी में चार पात्र हैं, जीरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड फोर्थ इज द डॉग नेम्ड मॉन्टमोरेंसी। तो कहानी में चार पात्र हैं, एक जीरोम है जो कि नरेटर भी है, जॉर्ज, हैरिस और एक कुत्ता है जिसका नाम कि मॉन्टमोरेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर जीरोम वॉलेंटियर टू डू द पैकिंग। तो जो नरेटर जीरो में, उन्होंने स्वेच्छा से पैकिंग करने का निर्णय क्यों लिया, यानी कि उन्होंने ये क्यों कहा कि वो खुद पैकिंग करेंगे। तो आंसर है इसका, द नरेटर थॉट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पीपल, सो नरेटर वॉलेंटियर्ड टू डू द पैकिंग। तो जो इसमें नरेटर जीरोम है, वो सोचते हैं कि दुनिया में उनसे अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने खुद पैकिंग करने का निर्णय लिया है। हालांकि वो चाहते थे कि वो पैकिंग के दौरान खाली सुपरविजन करें और उनके जो दोस्त हैरिस हैं और जॉर्ज हैं वो उनके ऑर्डर को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस। जॉर्ज और हैरिस ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी, जब नरेटर जीरोम ने कहा कि पैकिंग वो खुद करेंगे तो इस पर जॉर्ज और हैरिस ने क्या प्रतिक्रिया दी। डिड जीरोम लाइक देयर रिएक्शन, क्या जीरोम को, यानी कि जो नरेटर है, उनको उनकी प्रतिक्रिया पसंद आई। तो इसका आंसर है, जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द ऑथर सजेशन एट वंस। अब जैसे ही जो नरेटर जीरोम है, उन्होंने कहा कि पैकिंग वो खुद करेंगे, तो जो जॉर्ज और हैरिस हैं, उन्होंने उनकी जो बात है तुरंत मान ली और वो जाकर आराम से बैठ गए। बट जीरोम डिड नॉट लाइक देयर रिएक्शन, परंतु जो जीरोम है, नरेटर है, उनको उनकी ये जो प्रतिक्रिया वो पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जाकर आराम से बैठ जाएं, बल्कि वो चाहते थे कि वो बॉस बनकर काम करें और ये दोनों उनकी सुपरविजन में काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जीरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर टू पैक। तो जब ये नरेटर जीरोम है, जब इन्होंने कहा कि पैकिंग वो खुद करेंगे, तो उसके पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे। तो आंसर है इसका, जीरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब व्हाइल जॉर्ज एंड हैरिस डू द पैकिंग अंडर हिज सुपरविजन। तो जो नरेटर जीरोम है, उनका वास्तविक उद्देश्य ये था कि वो साहब बन के घूमते रहें, बॉस बन के उनको ऑर्डर दें, जबकि जॉर्ज और हैरिस जो हैं उनके सुपरविजन में काम करें। मतलब जैसा वो करें, जैसा वो कहें कि ऐसा करो, ये पैक करो, ये मत करो, तो जॉर्ज और हैरिस उसके उनके अकॉर्डिंग जो काम करें और वो बॉस बनकर वहां पर घूमते रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो दोनों जाकर आराम से बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Harris say after the bag was shut and strapped? जो Harris है, जब बैग बंद हो जाता है और उसके फीते वगैरह कस दिए जाते हैं, यानी कि उसको पैक कर दिया जाता है, तो Harris ने बैग के बंद हो जाने के बाद क्या कहा? Why do you think he waited till then to ask? और आप ऐसा क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसने बैग के बंद जाने का इंतजार किया, तब बाद में उसने अपनी बात बोली, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? तो इसका आंसर है, हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट इन द बैग व्हेन द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड। जब बैग बंद हो गया, बांध दिया गया बैग को, तो हैरिस ने नरेटर से कहा कि क्या उसने बैग में जूते रख लिए हैं। तो ही डिड इट सो बिकॉज ही वांटेड टू इरिटेट द नरेटर। तो उसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि वो नरेटर को इरिटेट कर सके, उसको तंग कर सके, क्योंकि जो नरेटर है वो बॉस बन के घूमना चाहते थे, ऑर्डर देना चाहते थे, और जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं खुद पैकिंग करूंगा, तो ये दोनों आराम से बैठ गए और नरेटर को पैकिंग करते हुए देखने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर टू जीरोम अ लिटिल लेटर। थोड़ी देर के बाद जीरोम के मन में क्या भयानक विचार आया। तो आंसर है इसका, व्हेन जीरोम वाज अबाउट टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स। तो जब जीरोम जो है अपने बूट को बैग में रखकर बंद करने वाला, तो उसने बंद लगभग कर ही दिया था, सडनली अ हॉरिबल आइडिया अकर टू जीरोम वेदर ही हैड कैप्ट हिज टूथब्रश आर नॉट। तो तभी उसको जो अचानक विचार आता है कि क्या उसने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है, ये विचार उसके मन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड जीरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। जो जीरोम राइट जो नरेटर है, उनको अपना जो टूथब्रश है वो आखिरकार कहां मिला।
तो आंसर है इसका जीरोम फाइनली फाइंड हिज टूथब्रश इन अ बूट। तो जीरोम को अपना जो टूथब्रश था वो उनके एक बूट में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जीरोम हैव टू री ओपन द पैक्ड बैग। जीरोम को अपना पैक्ड बैग दोबारा से क्यों खोलना पड़ा। तो आंसर है इसका जीरोम हैड टू री ओपन हिज पैक्ड बैग बिकॉज ही पैक्ड हिज टोबैको पाउच इन द बैग। तो जीरोम को अपना जो पैक्ड बैग था वो दोबारा इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी जो तंबाकू की पुड़िया थी, जो टोबैको पाउच था, वो उन्होंने उसके अंदर पैक कर दिया था, तो इसलिए उनको दोबारा से रीओपन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई। जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने का प्रस्ताव रखा और ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो इसका आंसर है जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू जीरोम टू पैक द हैम्पर्स बिकॉज दे वांटेड जीरोम टू गेट सम रेस्ट। अब जॉर्ज और हैरिस जो थे उन्होंने लास्ट में कहा कि उन्होंने जो टोकरी वगैरह थी जिसमें कुछ खाने पीने का सामान ले जाना था, उन्होंने उस कहा कि उस टोकरी को हम लोग मिलकर पैक कर देंगे और वो चाहते थे कि जीरोम भी कुछ आराम कर ले क्योंकि वो काफी देर से पैकिंग कर रहा था। दे डिड नॉट वॉन्ट इट टू टेक देम लॉन्गर टू पैकिंग। इसके अलावा वो ये भी नहीं चाहते थे कि पैकिंग ज्यादा लंबे समय तक करनी पड़े उनको क्योंकि बहुत समय से वो पैकिंग कर रहे थे और सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था, जिस कारण उन्होंने ऑफर दिया कि चलो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, अब ये हैम्पर जो है यानी कि जो टोकरी है उसकी पैकिंग हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल पैकिंग द हैम्पर, हैम्पर मींस टोकरी, व्हाइल पैकिंग द हैम्पर जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ फूलिश एंड फनी थिंग्स। तो जब जॉर्ज और हैरिस हैम्पर की पैकिंग कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी फुलिश और फनी थिंग्स की। वो थिंग्स क्या थी, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, जो वो फुलिश और फनी थिंग्स थी उस पे आपने टिक का निशान लगाना है। तो यहां पर हमने नीचे जो है जो उन्होंने फुलिश और फनी थिंग्स की थी उन पर टिक का निशान लगा दिया है। तो देखते हैं उन्होंने कौन सी इस प्रकार की एक्टिविटीज की थी। एक फर्स्ट है दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने जब हैम्पर में पैकिंग की शुरुआत की थी, हैम्पर की पैकिंग की शुरुआत की थी, शुरुआत में उन्होंने कप को तोड़ दिया था, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो, तो उन्होंने टोमेटो को स्क्वैश कर दिया था, ये भी सही है। फोर्थ नंबर का है दे ट्रोड ऑन द बटर, वे बटर के ऊपर चढ़ गए थे, तो ये भी सही है, इस पर भी हमने टिक का निशान लगा दिया है। नेक्स्ट सिक्स नंबर का है जो दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम, तो उन्होंने चीजों को अपने पीछे रखा था और बाद में उनको वो ढूंढ नहीं सके, तो ये भी सही है, इस पर टिक का निशान लगा दिया गया है। नेक्स्ट नाइन नंबर है दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उन्होंने लगभग हर चीज को डिस्टर्ब कर दिया था, वो हर चीज में कंफ्यूजन कर रहे थे, तो ये भी हमारा सही है। तो जो भी इसमें उन्होंने फनी और फुलिश एक्टिविटीज की थी उस पर हमने टिक का निशान लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जीरोम से वाज मोंटमोरेंसी'स एंबिशन इन लाइफ। जीरोम क्या कहते हैं कि मोंटमोरेंसी के जीवन का क्या उद्देश्य है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी एंड व्हाई, आप मोंटमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर है जीरोम सेज अबाउट मोंटमोरेंसी दैट हिज एंबिशन इन लाइफ वॉज ऑलवेज टू मेक थिंग्स वर्स। तो जीरोम कहते हैं कि मोंटमोरेंसी जो है, जो कि कुत्ता है, उसका उद्देश्य ये है कि वो हमेशा चीजों को खराब करता रहता है, कहीं भी आ जाता है और उनको डिस्टर्ब कर देता है। ही वॉज नॉट अ पीस अंटिल ही वॉज स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मीन डांट पड़ना, उसे जब तक डांट ना लिया जाए तो उसे चैन नहीं आता है। वी थिंक द डॉग वॉज राइट बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ डॉग्स टू फॉलो देयर मास्टर, और हमारे विचार से कुत्ता अपनी जगह पर सही है क्योंकि कुत्तों का ये नेचुरली स्वभाव होता है कि वो जहां उनके मालिक होते हैं वहीं पर वो भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ पैकिंग चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो यहीं पर हमारे कंप्लीट होते हैं, और क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आप एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।